भारत का इकलौता रेलवे स्टेशन जहां जाने के लिए वीजा भी चाहिए और पासपोर्ट भी, दास्तां भी अनोखी। क्या आप जानते हैं देश में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां जाने के लिए वीजा लगाने की जरूरत पड़ती है? इस बात को स्वीकारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। जी हां, इस स्टेशन पर बिना वीजा के जाना गैर कानूनी माना जाएगा। बता दें, ये देश का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ वीजा अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय एयर कंडीशनर इस रेलवे स्टेशन का नाम अटारी है। यहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तानी वीजा अनिवार्य कर दिया गया है। 24 खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों से 24 घंटे घिरे इस रेलवे स्टेशन पर बिना वीजा पहुँचने वाले देश के किसी भी नागरिक को 14 फॉरेन एक्ट बिना वीजा के इस रेलवे स्टेशन पर आने का आरोप के तहत मामला दर्ज होता है और जिसकी जमानत बड़ी मुश्किल से होती है। इस रेलवे स्टेशन से देश की सबसे वीवीआईपी ट्रेन समझौता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाती है। यह देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए सीमा शुल्क विभाग के साथ साथ ट्रेन में बैठे मुसाफिरों से इजाजत ली जाती है। इस रेलवे स्टेशन से हर रेलवे टिकट खरीदने वालों का पासपोर्ट नंबर लिखा जाता है और उन्हें कंफर्म सीट मिलती है। इस रेलवे स्टेशन पर कुलियों की मनाही है। मुसाफिर को अपना सामान खुद उठाना पड़ता है, जिसके लिए स्पेशल ट्रालियां सभी मुसाफिरों के लिए उपलब्ध हैं। वातानुकूलित वेटिंग रूम में देशभक्ति गीत एलईडी पर दिखाई देते हैं और खान पान ऐसा कि आप एक बार चख लें तो स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस रेलवे स्टेशन की पल पल की जानकारी रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस दिल्ली में होती है। सुरक्षा में 24 घंटे जवान तैनात रहते हैं। इस रेलवे स्टेशन से किन्हीं कारणों से ट्रेन अगर लेट हो जाती है तो इसके बारे में भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों में रजिस्टर पर एंट्री होती है। पंजाब पुलिस रेलवे स्टेशन के चारों तरफ पहरा देती है। फोटोग्राफी करना मना है। रेलवे स्टेशन आरपीएफ, जीआरपी, बीएसएफ समेत खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों के पहरे में रहता है। पर्यटक दूर से रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। अगर रेलवे स्टेशन के अंदर जाना है तो आपको गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों से इजाजत लेनी होगी।